और ये ध्यान में रख लो एस्टेब्लिशमेंट वालों और पुलिस वालों, मैं पूरी कौम से ये कहूंगा कि ये जो पुलिस वाले आपके साथ जुल्म कर रहे हैं, इनकी तस्वीरें बनाओ, इनकी फिल्में इकट्ठी करो, आने वाले वक्तों में हम इनसे हिसाब लेंगे। ये गैर कानूनी इकदाम किनके कहने पे कर रहे हैं? काजी फैजी साहब, तू बहुत गंदा इंसान निकला है। हम तो मुसलमान तकवा रखते हैं कि अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को भेजना है, और काजी फैजी साहब तू आ गया, तू तो दज्जाल से भी बुरा है। चोरी किया, 49 चोरी किया। पाठ साहब और बाजवा साहब, आप बात कर रहे हैं कि चोरी हुई और अदालत के ऊपर भी आपको एतराज़ है, तो फिर कहाँ से आप जाके ये कौन सा फोरम इस्तेमाल करें? बाजवा साहब, बहुत खूबसूरत सवाल किया आपने। लफ्ज चोरी छोटा लफ्ज है, ये शरेआम पुलिस और एस्टेब्लिशमेंट की निगरानी में डाका मारा गया है अवाम के मंडेट पे। और ये जेल में रख लो एस्टेब्लिशमेंट वालों और पुलिस वालों, मैं पूरी कौम से ये कहूंगा कि ये जो पुलिस वाले आपके साथ जुल्म कर रहे हैं, इनकी तस्वीरें बनाओ, इनकी फिल्में इकट्ठी करो, आने वाले वक्तों में हम इनसे हिसाब लेंगे। ये गैर कानूनी इकदाम किनके कहने पे कर रहे हैं? किस एस्टेब्लिशमेंट के इशारे पे ये कर रहे हैं? ये किनके कहने पे हम कौम के साथ जुल्म हुआ है? हम इनको मैंडेट जो चोरी किया है वो नहीं लेने देंगे, ना हजम होने देंगे। इंशाल्लाह मंगल को हमारी हाई कोर्ट के अंदर तहरीक का आगाज हो रहा है, इंशाल्लाह वकला बहर निकलेंगे और पूरे मुल्क को बचाएंगे और आईने पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे। काजी फैजी साहब, तू बहुत गंदा इंसान निकला है। हम तो मुसलमान तकवा रखते हैं कि अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को भेजना है, और काजी फैजी साहब तू आ गया, तू तो दज्जाल से भी बुरा है। और खुदा के लिए इस मुल्क का सोच, तेरे बाप को भी मैं जानता हूँ जिसने पाकिस्तान की मुखालफत की थी, बाद में जब पाकिस्तान बनने लगा तो कैद आजम का साथ देना शुरू कर दिया। और चढ़ते सूरत की सलामी करने वाले काजी फैजी साहब, ना तुझे एस्टेब्लिशमेंट बुटा सकती है, ना ये अदारे बचा सकते हैं। जब हम बुखला निकलेंगे किस कौम के लिए, तो तुम्हें कोई, हमने चोरी इफ्तिखार को कुर्सी से निकाला था, फौजी एक ने टिकटर ने हमने कुर्सी में बिठाया था, कहीं ये ना हो हम बुखला निकले और तुझे कुर्सी से उठा के फेंक दे। तुमने बहुत बड़ी बेगैती की है, कौम के साथ नाइंसाफी की है, कौम के मैंडेट पर दाखा डाला है तुमने। काजी साहब का तो इसमें कोई किरदार नहीं है। काजी साहब का किरदार है, देखिए बाकी लक्ष्मी ने, देखिए नहीं मेरी बात काजी फैसले, पटिशन नहीं, एक पटिशन फाइल हुई, यहाँ बाकी नजीब साहब ने फैसला किया नहीं, आरओ जो हैं वो सहन जजेस होंगे, काजी फैसले से ना वो खत्म कर दी, नहीं उसने एस्टेब्लिशमेंट नहीं, एस्टेब्लिशमेंट और जो लोग 16 MPO को ऑर्डर इशू करते रहे हैं उनको बना दिया हमारा आरओ। क्या करते हो? और यार पिशावर हाईकोर्ट ने बहाल कर दी इमरान खान की पार्टी, काजी ने क्यों खत्म की रात को? ये काजी बुजदिल आदमी है, काजी तुम्हें हिसाब देना होगा हमारा। हम वकला निकल पड़े हैं और इंशाल्लाह पूरी कौम को मेरा पैगाम है, निकलो निकलो, हम आपके साथ हैं वकला, निकलेंगे और दलेरी से निकलेंगे। हम नहीं डरते ना पुलिस से ना एस्टेब्लिशमेंट से, हम वो लोग हैं, हम वो लोग हैं जो भी है हम करेंगे। इन पुलिस वालों की तस्वीरें बनाओ, जो पुलिस वाला एक जो पुलिस वाला जुल्म करता है उसकी तस्वीर बनाओ, उसकी फिल्म बनाओ, मैं उसका केस लड़ूंगा, ये याद रखेंगे। इनकी तस्वीरें बनाओ और कहां जाएंगे? हम वकील हैं, इन्होंने हमसे जमानत करवानी है, ये आए लेके, हम जानते हैं इन सबको, हम करेंगे, हम वकील हैं। इन पुलिस वालों की तस्वीरें बनाओ, ये नौकरी करने के काबिल नहीं छोड़ूंगा मैं, इंशाल्लाह इनका उम्र वर्ग तक मैंने नहीं छोड़ा। गिरफ्तार कर लिया गया है। कौन से कौन सी गाड़ी? गिरफ्तार करने आ जाओ, जाओ वारंट ले आओ, कितने वारंट ले आओ, नहीं जाना मार के ले जाओ, इतने पंजाब की वकील अंदर खोल आ जाएंगे। मदद करना चाहते हैं आप लोग करें, हम एक ही नारा लगाते हैं, कौन बचाएगा पाकिस्तान?